नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। पुलिस का मानवीय चेहरा तो आपने बहुत देखा होगा और अक्सर पुलिस को लोगों को डांटते फटकारते ही देखा होगा, लेकिन इस कोरोना काल में डॉक्टरों की तरह पुलिस भी असली कोरोना योद्धा है, क्योंकि इस समय में भी पुलिसकर्मी लोगों की बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ बिजनौर में भी तस्वीर देखने को मिली। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में आखिर पुलिस ने ऐसा क्या किया जिसकी हर जगह तारीफ हो रही है। पुलिस की आलोचनाएं तो आपने बहुत देखी और सुनी होंगी, लेकिन उसी पुलिस की मानवता की सच्ची तस्वीर को भी जरा गौर से देखिए। दरअसल बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र की स्टेट बैंक कॉलोनी में महिला की मौत के बाद खंटो महिला का शव उसके घर पर रखा रहा और कोरोना के खौफ से पड़ोसी और रिश्तेदारों ने महिला का अंतिम संस्कार नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने मानवता दिखाते हुए महिला का अंतिम संस्कार कराया। आज जनपद बिजनौर के धामपुर कस्बे के स्टेट बैंक कॉलोनी में शीला शर्मा नाम की एक महिला की मृत्यु हुई। उनके बेटे विकास शर्मा ने अपने सभी रिश्तेदारों को, परिजन बंध बांधव मोहल्ले वालों को सूचना दिया। कोई कंधा देने के लिए, सहायता देने के लिए इसलिए नहीं पहुंचा कि इनकी मृत्यु कोरोना से हुई है, जबकि शीला शर्मा की मृत्यु अपने बेटे की मृत्यु के सदमे में एवं बीमारी से हुई थी। इनके बेटे की मृत्यु 15 दिन पहले एवं पति की मृत्यु उससे पहले हो चुकी है। विकास शर्मा अपने पत्नी और दो छोटे बेटों के साथ बिलख बिलख करके रो रहे थे। मेरे द्वारा तत्काल पुलिस बल को भेजा गया। स्थानीय इंस्पेक्टर के मौजूदगी में पीपी किट पहन करके पुलिस ने उनको शमशान घाट ले जाने की व्यवस्था किया, कंधा दिया, वहाँ पर लकड़ी एवं अन्य हिंदू धर्म रीति रिवाज का प्रबंध किया गया। केवल उनके बेटे और पुलिस बल की मौजूदगी में उनके बेटे द्वारा मुखाग्नि दिया गया, अंतिम संस्कार कराया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई बेहद ही संवेदनशीलता एवं विवेक के साथ किया है। दरअसल एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह को महिला के पुत्र विकास शर्मा ने सूचना दी थी कि उसकी मां की मृत्यु हो गई है और सभी रिश्तेदार और पड़ोसी को खबर दी गई, लेकिन कोई भी कोरोना के डर से अंतिम संस्कार के लिए नहीं आया, जिसके बाद एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने तत्काल पुलिस को मौके पर भेजा और महिला का अंतिम संस्कार कराया गया। एसपी और उनकी पूरी पुलिस टीम की सभी जगह जमकर सराहना हो रही है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए बिजनौर से नईम अहमद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए 20 जिलों में आज मतदान हुआ। बता दें तीसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के करीब 3.5 लाख प्रत्याशी मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला करीब 3 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने आज किया। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान सुबह से ही जारी है। इस दौर में 20 जिलों की 2,14,000 से ज्यादा सीटों पर 3,52,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलता रहेगा। इस दौरान राज्य के 20 जिलों में करीब 50,000 मतदान बूथों पर 3,05,71,613 मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। वहीं मेरठ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बता दें मेरठ में 12 ब्लॉक में 13,38,181 मतदाता अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान स्थलों पर ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए सफेद, ग्राम प्रधान के लिए हरा, क्षेत्र पंचायत के लिए नीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी मत पत्र है। सभी मत पत्र एक ही बैलेट बॉक्स में डाले जाएंगे। जिले में 231 संवेदनशील, 310 अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्र हैं। जिले में 35 जोनल मजिस्ट्रेट और 148 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। हम लोग लगातार सुनिश्चित करा रहे हैं कि लोग कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पालन करें और साथ साथ अपने मतदान के अधिकारों का भी। ये चुनौतीपूर्ण कार्य है, बखूबी पुलिस और प्रशासन के लोग मिलकर के इस कार्य को कर रहे हैं। जो पब्लिक के समझदार लोग हैं उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। जहाँ कोई खुराफात करने की कोशिश करेगा उसको कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ऐसा स्पष्ट निर्देश सभी को दिया हुआ है और सभी लोग इसके लिए लगातार विमर्श हैं। कोविड के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम यह है कि जगह जगह पर इसकी चेकिंग कराई जा रही है आकस्मिक रूप से, और साथ साथ में जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन कराया जा रहा है। 100% लोग मास्क लगा के आए इसको सुनिश्चित कराया जा रहा है और लोगों को लगातार माइक के माध्यम से प्रचार करते हुए भी लोगों को बताया जा रहा है, इन्फोर्समेंट भी किया जा रहा है, समझाया भी जा रहा है। कितने संवेदनशील बूथ डिक्लेयर किए हैं पुलिस ने? देखिए, हम सभी संवेदनशील, हम इस पंचायत चुनाव में हर मतदान केंद्र को संवेदनशील मानते हैं। कुछ अति संवेदनशील हैं जिन पर भी हमने अतिरिक्त फोर्स तैनात किया है, मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं, कुछ हमने वहाँ पर कैमरे की व्यवस्थाएं की हैं,
और हम लोग लगातार भ्रमणशील हैं और हम आश्वस्त थे कि जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उनका भी पालन करेंगे और कोविड प्रोटोकॉल करेंगे। वहीं पीलीभीत के ब्लॉक ललौरी खेड़ा के अमरगंज गांव में बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह कम होने को लेकर शिकायत की गई। जिला पंचायत सदस्य के वार्ड नंबर 23 के 21 प्रत्याशी होने के बावजूद भी अमरगंज गांव में बैलेट पेपर में मात्र 12 प्रत्याशियों के ही चुनाव चिन्ह मौजूद थे। करीब 150 वोट डाले जाने के बाद ग्रामीणों ने इस बात का हंगामा किया, साथ ही मतदान निरस्त कराने की भी मांग की। वहीं सूचना पर पहुंचे एसडीएम, सीओ और थाना अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शांत कराया। बैलेट पेपर चेंज कराकर फिर से मतदान की प्रक्रिया को शुरू कराया गया। बता दें, तीसरे चरण में अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, चंदौली, जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, फिरोजाबाद, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, मुरादाबाद, मिर्जापुर, शामली, सिद्धार्थनगर और हमीरपुर में मतदान हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के आयोग मनोज कुमार ने सभी संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों सहित निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसी बेहतर व्यवस्था कराई जाए कि किसी भी मतदान केंद्र पर दोबारा से मतदान कराने की स्थिति न पैदा हो। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए मनोवर चौहान और प्रांजल गुप्ता की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के थाना टुंडला क्षेत्र के गांव मोहम्मदपुर में ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि दो पोलिंग केंद्र बने हैं, इनमें से एक पोलिंग सेंटर पर ज्यादा वोट हैं, जबकि दूसरे पर कम है। इसकी वजह से दूसरे पोलिंग केंद्र यहां मत अधिक ज्यादा है, उनके वोट पाकर व्यक्ति प्रधान बन जाता और फिर वहां इस गाँव में विकास नहीं कराया जाता। इस बात से नाराज होकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। सूचना के बाद आईजी रेंज आगरा नवीन अरोड़ा सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को वोट डालने के लिए काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मतदान करने से इनकार कर दिया। इनका जो कहना है वो ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसलिए काफी तो ये नाखुश है। लेकिन हमने इनसे बोला है कि जिस भी तरह का इन्हें डेवलपमेंट की दिक्कतें रही हैं उसके लिए लोग हमें एप्लीकेशन वगैरह दे सकते हैं, और जो भी इनके कार्य जो यहाँ नहीं हुए होंगे अगर उसकी लिस्ट वगैरह सूची वगैरह तो हमें दे दें। चुनाव का इस तरह से बहिष्कार ना करें, क्योंकि ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं तो सबको अपनी आवाज़ अब उठाना है, तो उसका एक ही तरीका होता है, मतदान में पार्ट लेना। अभी अंदर तो कोई आया नहीं, ना कोई एजेंट बनने आया सुबह से, ना अंदर कोई आया। लेकिन बाहर जो यदि एडीएम साहब आएंगे तो उन्होंने यही कहा कि हम अपनी अलग बनानी चाहते हैं, ग्राम सभा अलग चाहती है। ग्राम सभा तो यही है, मोहम्मदपुर ही है, लेकिन उससे सटा हुआ कोई गाँव है नगला कलुआ, वहाँ की जो पोलिंग है वो 1200 के करीब है, यहाँ की पोलिंग थोड़ी कम है, 569 की है। तो जो वो लोग कहते हैं यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ है आज तक हमारे यहाँ, तो लोग ये चाहते हैं कि मतलब हमारी अलग ग्राम पंचायत तो मैंने यही है। तो अब तक सुबह से कितने वोट पड़े हैं? कोई नहीं पड़ा, एक भी नहीं पड़ा, एक भी नहीं, एजेंट बनने भी कोई नहीं आया। मुख्य वजह ये है कि 1995 से पहले हमारा गाँव अकेला था, अलग 1995 में ज्वाइंट किया नगला कलुआ से, ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर है, वोट वहाँ ज्यादा है यहाँ कम है। 1995 से आज तक जो कुछ भी हुआ है विकास नगला कलुआ में कराते हैं, वो यहाँ कोई कराता नहीं है। अब मेन प्रमुख एक ही मांग है, हमारा गांव अलग होना चाहिए, उससे पहले वोट कोई डालेगा ही नहीं। अगर गांव वाला कोई डालना चाहता है तो डाले, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन पूरे गाँव का ये निर्णय कि बिल्कुल कोई भी मतदान नहीं करेगा। ये चुनाव हो रहा है, इसके बाद विधानसभा का आएगा, उसमें भी नहीं कोई वोट डालेगा, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो कोई भी चुनाव हो, जब तक गांव अलग नहीं होगा जब तक यहां पर वोट नहीं डलेगा। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।